Savadana Sanamar Day we are launching. So, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? वेल आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज वीनस के सारे गानों का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और वादा रहा मेरा फेवरेट सॉन्ग था हमेशा से. और जब चंपक जी ने मुझे 10 दिन पहले इसका वीडियो दिखाया तभी मैंने चंपक जी को कहा कि जिस तरीके से उन्होंने शूट किया, जो लोकेशन यूज़ किया है एंड जो दोनों की जो केमिस्ट्री वो बहुत ही कमाल है और गाना जिस तरीके से रिक्रिएट किया गया है विच इज़ फैंटेस्टिक. सर रिक्रिएशन की बात करें तो अभी दौर में ज्यादातर सब सॉन्ग रिक्रिएट होते हैं पर जो ओरिजिनल जो टीम होती है जो कंपोज करती है वो बहुत जन नाखुश होते हैं उससे. तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? यार इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा. उसमें खुश नहीं होती. वेल मैं वो एक्चुअली आपको वीनस से बात करनी चाहिए. मैं जो गाने आते हैं मुझे बड़े खूबसूरत लगते हैं. आपके भी मूवी में रिक्रिएट किया गया है वजह तुम में भी. हाँ पल पल. हाँ वो मेरा मैं तो बहुत खुश था क्योंकि पल पल जो है वो बहुत ही हिट सॉन्ग रहा है और धर्म जी पे फिल्माया गया है और मैं धर्म जी का बड़ा फैन रहा हूँ, गाने का फैन रहा हूँ और मेरे पे फिल्माया गया तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है. बात बाकी बात जो भी सोचे. हाँ सिंगल का भी ट्रेंड चल रहा है, हर एक्टर सिंगल में काम कर रहा है, एनी प्रोजेक्ट यू वुड लाइक टू टेक अ वेल वेल डेफिनेटली मेरे दिमाग में है कुछ जहाँ पे मैं म्यूजिक वीडियो करना चाहता हूँ. बट जो मेरा डांस है इनफैक्ट आफ्टर विनिंग झलक दिखला जा आई थिंक जो डांस जो टैलेंट है वो मैं चाहता हूँ कि कुछ म्यूजिक वीडियो के जरिए मैं दिखा सकूँ. फ्यूचर में ऐसा कोई सॉन्ग जो मैं रिक्रिएट करना चाहता हूँ वेल आई वुड से एक्चुअली वो हो गया तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त वो वीनस का ही था. बट मैंने अगर आप देखेंगे तो लास्ट वीक ही मैंने उस गाने पे मैंने डांस किया तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त पे और जो कि बहुत वायरल भी हुआ वो वीडियो. अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ आप लोग वापस डालिए और वायरल कर दीजिए.